उज्ज्वल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों का रुख करेंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण थे, जिसकी वजह से उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रुद्रप्रयाग विधानसभा से इस बार घमासान मचने के साफ आसार नजर आ रहे हैं। सिटिंग विधायक होने के बावजूद 11 लोगों की दावेदारी करना अपने आप में ही सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सिटिंग विधायक खुद को प्रबल दावेदार बताते हुए जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों और युवाओं को पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, जिससे हाईकमान उन पर दांव खेल सके। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक भरत चौधरी ने 5 सालों की उपलब्धियों को रखा, साथ ही दूर दराज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पूर्व सैनिकों को मीडिया के सामने पार्टी में शामिल करवाया। और चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिन लोगों में राजनीतिक चेतना है वो लोग अब समझ रहे हैं कि अब अपना दायित्व निभाने का वक्त आ गया है। और ख़ासतौर पे हमारे जो सैनिक हैं, जिनकी बदौलत आज हम इस देश में चैन से जी रहे हैं, जिन्होंने देश की सीमाओं पे अपनी लंबी सेवाएं दी हैं, आज उनको इस बात का एहसास है कि अगर इस देश को बचाना है तो जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको राजनीतिक रूप से भी शिकस्त देने की आवश्यकता है। रानीपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय इस समय डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच प्रशांत राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहा प्रशांत राय ने, आप भी इसको जरा सुनिए। 22 के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जो डेट फिक्स करती है, 14 फरवरी को डेट फिक्स कर दी है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने जो रैलियां हैं इनको उन पर रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने साफ तौर से कहा है कि डोर टू डोर जाकर 5 से 7 आदमी जाकर डोर टू डोर जाकर काम कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, जिन पर आम आदमी ने रानीपुर विधानसभा से भरोसा जताया है, हमारे साथ प्रशांत राय जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या उनका मुद्दा है। जी प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। जो आज आप आम आदमी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी हैं और यहाँ लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर काम कर रहे हैं, तो किस कितना लोगों का प्यार मिल रहा है, किस तरीके से आपको? देखिए, आपने अभी देखा यहाँ पे लोगों में रुक रुक के आके पूछ रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी से हैं। लोगों को विश्वास है, लोगों को दिल्ली के बारे में पता है कि दिल्ली में करके दिखाया है, उसी विश्वास के साथ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे। आप मेरे पीछे देखिए कितना विकास हो रखा है, 10 साल में कितना विकास किया है, क्योंकि यहाँ लोग झूठ बोलते हैं। जो भी राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधि आते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। जैसे कि लोगों ने हमसे कई बार पूछा कि कैसे दिया जाएगा ये सब, हमने भी बताया, जैसे विधायक को 1000 यूनिट फ्री मिलती है, विधायक का आना जाना फ्री होता है, विधायक का सारा इलाज फ्री होता है, तो क्या आपका हमारा नहीं सकता? जबकि उनकी तनख्वाह का टैक्स में कोई योगदान नहीं है, जबकि टैक्स हम और आप लोग मिलकर देते हैं। तो लोगों को बात समझ में आ रही है, लोग कह रहे हैं टैक्स हम देते हैं तो इस बार बदलाव हम करेंगे, हमारे ही टैक्स के पैसे से हमें ये सुविधा मिलेगी। इस बार महिला, युवा लोग, सब लोग, बेरोजगार लोग इस बार बदलाव करेंगे और डट के बदलाव करेंगे इस बार। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही, तो कितनी सीट आम आदमी पार्टी अपने पाले में ले जाएगी? देखिए, मैं रानीपुर विधानसभा से, आम आदमी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। बाकी तो हमारी पार्टी के मुखिया जो देहरादून बैठे हैं वो लोग बताएंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे मैं यहाँ पे घर घर जा रहा हूँ, आज मैं यहाँ ब्रह्मपुरी में, कल मैं बाबर कॉलोनी में था, फिर राजा गार्डन में था, तो लोगों ने, मान लिया मैं 100 घर में जा रहा हूँ तो 2-3 आदमी ही थोड़ा सा करते हैं, बाकी सब लोग पक्ष में हैं बदलाव करने के। उससे देख के मुझे अंदाजा लगता है कि पूरे उत्तराखंड में हवा और लहर चली है आम आदमी पार्टी की, बहुत अच्छे सीटें आएंगी। तो ये हमारे साथ प्रशांत राय जी का साफ तौर से कहना है कि आम आदमी पार्टी की लहर से उठी है और कहीं ना कहीं इस बार की सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में सब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया हरिद्वार। देखिए, डोर टू डोर आप लोग भी चल रहे हैं, पत्रकार महोदय सब लोग देख रहे हैं,
महिलाओं में और युवाओं में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बदलाव करने का, क्योंकि वो लोग हमसे बात करते हैं, तर्क करते हैं और वो कहते हैं कि 5 साल में आज तक कोई नहीं आया, वोट लेने आते हैं उसके बाद नहीं आते हैं। जब हम उन्हें अपनी पार्टी की नीतियाँ बताते हैं तो उनको आश्चर्य लगता है कई बार। तो कई लोग कहते हैं कि हमने बिजली का कार्ड बनवा रखा है, हमने रोज़गार गारंटी का आपका कार्ड बनवा रखा है। कुछ लोगों को जैसे नहीं लग पाता, जैसे हमारे कार्यकर्ता लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो वहाँ पे हम जाते बताते हैं उन महिलाओं को कि ये सब सुविधाएं यहाँ जो हम दे रहे हैं पर्चे के माध्यम से बता रहे हैं और मुंह से बताते हैं, तो कहते हैं ऐसा होता है क्या? हमने कहा ये पूरे भारत में दिल्ली में होता है। तो आसपास के कोई लोग जब बताते हैं कि हाँ जी दिल्ली में ये सब चीज़ होती है, तो उन्हें आश्चर्य होता है। आश्चर्य होकर जब उन्हें यकीन हो जाता है हाँ ये दिल्ली में हो सकता है, तो उत्तराखंड रानीपुर में भी हो सकता है। उत्तराखंड में इस समय चुनाव नजदीक है, इसी को लेकर पार्टी के प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनता से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में भगवानपुर से बीएसपी प्रत्याशी सुबोध राकेश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। इसी दौरान क्या कुछ कहा सुबोध राकेश ने, आपको सुनाते हैं। 2022 विधानसभा का चुनाव अपने चरम पर है और जो पार्टियों के प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर जनता से अपने समर्थन की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर के हलूमजरा गांव में, यहाँ पर बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश जी डोर टू डोर घूमकर जनता से अपने समर्थन की अपील कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार से वो जनता के सामने जाकर अपील कर रहे हैं और क्या मुद्दे जनता के सामने, कैसे जनता का समर्थन उनको मिल रहा है, थोड़ा भी जाने जाएंगे। आज आप हलूमजरा गाँव में हैं, विधानसभा के हर गांव में आप जा रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन आपको जनता से मिल रहा है और क्या मुद्दे आपके जो है जनता के बीच में है? अपार जनता का समर्थन है, अपार चारों तरफ से, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक समाज के लोगों के माध्यम से बहुत बड़ी तादाद में समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार इस व्यवस्था को यहाँ पर बदलना है, जिसमें 7 सालों में इस क्षेत्र को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे नेताओं को यहाँ से कुर्सी से हटाना है, जो काम नहीं करना जानते, जो विकास नहीं करना जानते, जनता का सम्मान नहीं करना जानते, ऐसे नेताओं को इतनी बड़ी कुर्सी से हटाकर जनता की सेवा करने वाले, मजबूती के साथ विकास करने वाले, सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले मजबूत नेताओं को अब की बार कुर्सी पर बैठाना है। ये क्षेत्र की सम्मानित जनता तय कर चुकी है। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर गांव में आपका आना जाना हो रहा है, मीडिया के बंधु आप लोग देख रहे हैं, लोगों से बातें भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि किस प्रकार की अब के बार लोगों में किसके प्रति भावना बन गई है कि वोट किसको देना है। आप लोगों के सामने सारी चीज़ें निश्चित रूप से बहुत बड़ा जनसमर्थन। अगर बात करें और दूसरी पार्टियों की, भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो कि उनका बयान है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और राकेश परिवार से जो है छुड़ाकर अब उनकी झोली में, आम आदमी पार्टी की झोली में सीट को भेजेंगे, क्या कहना है? देखिए, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का तो व्यवस्था ही यहाँ पर पूरी तरह खराब हो चुकी है। ऐसा कोई नेता यहाँ पर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर मजबूती से खड़ा हो सके। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता, क्योंकि उन लोगों के माध्यम से जिन लोगों ने इस पार्टी की व्यवस्था पिछले 2017 के चुनाव में खराब की थी, उसके खिलाफ सुबोध राकेश के साथ समर्थन के लिए खड़े हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं भी किसी व्यवस्था में अब की बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी आए वो निश्चित रूप से मात्र अपनी जमानत ही बचा पाएगा, इसके अलावा और कोई व्यवस्था उसके पास नहीं है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की अगर हम करें, घूम रहे हैं वो हमारे बड़े भाई हैं प्रेम सिंह जी, लेकिन कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ना तो यहाँ कोई केजरीवाल की बात को जानता है, ना यहाँ उनको कोई जानता है। ये जरूर है कि प्रचार हो रहा है उनका, बड़ी व्यवस्था लग रही है, बजट भी बहुत दिल्ली से आ रहा है। उत्तराखंड में तमाम पार्टियां, चाहे वो बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस, आचार संहिता लागू होने के बाद सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में लग गई हैं। ऐसे में झबरेड़ा से विधायक देशराज करणवाल से खास बातचीत की है हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। इस दौरान क्या कुछ कहा झबरेड़ा विधायक ने, इसको आप भी सुनिए। उत्तराखंड में जैसे ही चुनाव बिगुल बजा, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, सभी पार्टियां, चाहे वो बसपा हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी अपने प्रचार में जोर शोर से लग गई है। हालांकि 15 तारीख तक अभी चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर रोक लगाई हुई है, फिर भी अपने अपने तरीके से सभी नेता जो हैं अपने प्रचार में लगे हुए हैं। हम अभी झबरेड़ा में न्यूज़ इंडिया की टीम आई है, झबरेड़ा से विधायक देशराज करणवाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ हैं। विधायक जी, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है।
थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किस तरह की तैयारियां हैं 2022 को लेकर? उत्तराखंड उत्तराखंड सहित पांचों राज्यों में कमल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चुनाव के समय नहीं होती, पूरे 5 साल। चुनाव जब समाप्त होगा ये, उसके बाद दूसरा चुनाव शुरू हो जाएगा। हमेशा चरेवेती चलते जाओ। चुनाव में रहता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कभी वो घर में नहीं बैठता। और रही बात तैयारियों की, हम पूरी तरह तैयार हैं। 14 अप्रैल को जनता हमें समर्थन देगी और उत्तराखंड में कमल खिलेगा। देशराज कर्णवाल जी ऐसा नाम है जो कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। 2017 में पहली बार विधायक बने आप, जब से कई बार पहले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ झगड़ा रहा आपका। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो हैं वो नेहरू स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और अखाड़ा खोद लेते हैं। अब जो है, आपने अभी एक ताज़ा ही बयान दिया कि जितने भी यहाँ बीजेपी के दावेदार हैं वो मक्खियाँ हैं और मैं गुड़ हूँ, और अगर मेरे में वो गुड़ में फंसने की कोशिश करेंगे तो धंस जाएंगी, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सवाल असल में इसका गलत अर्थ निकाला गया। अर्थ आप सही बता दीजिए। इसका मैं दूसरे शब्दों में इस बात को कहता हूँ कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भौंरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। आज जो भारतीय जनता पार्टी के ऋषिकेश से, देहरादून से, लाल ढांग से, भगवानपुर से, लक्सर से, कहां कहां से दर्जनों प्रत्याशी यहां पर आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि झबरेड़ा विधानसभा का सर्वांगीण विकास मैंने किया है। प्रदेश में नंबर वन, विधायी कार्यों में देश में नंबर वन। इसलिए मेरी पार्टी के जितने भी नेता हैं जो अनुसूचित समाज को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर टिकट मांगने आ रहे हैं, वो उनका अधिकार है। विधायक जी, चर्चाएं अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। आपकी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से 2 बार मुलाकात हो चुकी है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, सारे लोग ये चाहते हैं, क्योंकि मेरे मित्रों द्वारा जो टिकट मांग रहे हैं उन्होंने एक वैचारिक भ्रांति फैलाई कि टिकट कट रहा है, तो वो लोग मेरे संपर्क में आए थे। मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, कांग्रेस के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, सारे लोग चाह रहे थे कि भाई हो सके इसका टिकट कट रहा हो तो इन्हें हम अपनी पार्टी में ले लें। लेकिन विधायक जी, लेकिन संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं है, उसे छोड़कर के विकल्प नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, क्या वजह मान रहे हैं कि 3-3 मुख्यमंत्री, 10-12 साल में 10 मुख्यमंत्री, क्यों? यही तो विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की कि जनता पर बोझ डालते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, ये विशेषता है। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी ऐसा क्यों? जनता पर कौन सा बोझ पड़ा? अगर मुख्यमंत्री बदलेगा तो जनता पर तो बोझ पड़ेगा ही। कैसा बोझ? बोझ बताओ श्रीमन मुझे। भारतीय जनता पार्टी का पहले मुख्यमंत्री था तो उन्होंने कांग्रेस से ला तो किसी को बैठाया नहीं, बहुजन समाज पार्टी में से तो ला किसी को बैठाया नहीं। दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने काशीपुर में ये कहकर सनसनी मचा दी कि पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटी योजनाओं में उत्तराखंड के 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर संकेत दे दिया है कि अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की लहर है। यहाँ आम आदमी पार्टी कार्यालय में आप उम्मीदवार दीपक बाली के साथ आयोजित एक पत्रकार वार्ता में गोपाल राय ने कहा कि 20 साल तक उत्तराखंड की जनता के लिए बीजेपी कांग्रेस मजबूरी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में यहां की जनता को एक मजबूत विकल्प मिल गया है। देखिए, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी होना शुरू हो चुका है। अभी चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू किया है, उसके बाद चुनाव प्रचार की नई रणनीतियों की हम लोग समीक्षा करके आगे की कार्ययोजना बना रहे हैं। लोकल स्तर पे आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर काशीपुर में हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली जी को उम्मीदवार बनाया है।
कल हमने यहाँ की टीम के साथ पूरी रणनीति बनाई है और पूरे काशीपुर में और पूरे उत्तराखंड के अंदर डोर टू डोर कैंपेन पर हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जनता के साथ संवाद बनाएगा और हम एक ही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर 10 साल मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को 11 साल मौका मिला, एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, दिल्ली से ज़्यादा हम काम करके उत्तराखंड में दिखाएंगे। नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की कई गतिविधियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों की कड़ी में आने वाले 15 जनवरी तक किसी भी दल को रैली, जुलूस और अन्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। और कब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा और इस दौरान उन्होंने क्या एहतियात बरतने हैं उसके संबंध में समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को हम लोगों ने अवगत करा दिया है और इस दौरान ये भी बताया कि 15 तारीख तक कोई भी धरना भाई जुलूस प्रदर्शन वगैरह इन्होंने नहीं करना, कोई भी जनसभा इनके द्वारा नहीं की जानी, कोई भी रैली इनके द्वारा नहीं की जानी है और अगर प्रचार प्रसार की जहाँ तक बात है उसमें धारा 144 ऑलरेडी लगी है, कोई भी व्यक्ति विशेष 5 से ज़्यादा की संख्या में अगर किसी जगह पर जाते हैं और कोविड के रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं उसको तो उस दशा में हम लोग फिर धारा 144 के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी होती है उसमें कार्रवाई करेंगे और आपदा प्रबंधन एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऋषिकेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर को लेकर नगर निगम प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। नगर निगम की महापौर ने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण कर साफ सफाई की व्यवस्था को जांचा। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों से पूरे अस्पताल परिसर और कमरों को सैनिटाइज करवाया। कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वो प्रतिदिन सरकारी अस्पताल को सैनिटाइज करना ना भूलें क्योंकि संक्रमण की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील अस्पताल ही होते हैं। जिस प्रकार से कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आज मैंने यह सरकारी हॉस्पिटल का पूरा निरीक्षण भी करा और सफाई व्यवस्थाओं को लेके हमारी पूरी स्वच्छता की टीम जो हमारे स्वच्छता प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, पूरी जगह जगह देख रहे हैं। नगर निगम पूरी तरह से इन चीज़ों में पूरी निगरानी मॉनिटरिंग करता है कि कहीं पर भी स्वच्छता में कोई लापरवाही ना हो। लगातार ये सारी चीज़ें हमारी मॉनिटरिंग में नगर निगम की टीम के चलती रहती हैं। उसी के क्रम में आज सरकारी अस्पताल में जहाँ पे कि आज बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है कोरोना की, जिनके 9 महीने पूरे हो गए हैं कोरोना के सेकंड डोज लगे हुए, तो उनके आज बूस्टर डोज लग रही है और मैं देख रही हूँ कि फ्रंट लाइन के काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आ रखे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में बूस्टर डोज यहाँ पे लग रहे हैं। सैनिटाइजेशन बराबर चल रहा है, पूरा सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। थानाध्यक्ष कालाढूंगी ने आने वाले चुनाव और कोरोना वायरस को लेकर एक बैठक की। नवनियुक्त थानाध्यक्ष कालाढूंगी राजवीर सिंह नेगी ने कालाढूंगी थाने में कोटाबाग ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों, नगर के वार्ड मेंबरों सहित दुकानदारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक का आयोजन किया। बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम और आने वाले चुनाव के मद्देनजर गाँव में हो रहे कार्यों का ब्यौरा लिया गया। वहीं आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए गाँव में हो रहे कार्यों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। कोरोना संकट के बीच देश में 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन गंगा में डुबकी लगाने का काफी महत्व है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की तीसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी कोरोना और नए वेरियंट ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बता दें कि हरिद्वार में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर होने वाले गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मकर संक्रांति के पर्व पर होने वाले गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। इस आदेश के साथ हर की पौड़ी क्षेत्र पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आदेश ना मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि
कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। हरिद्वार जिला प्रशासन ने 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति स्नान को प्रतिबंधित कर दिया है। जिला प्रशासन के इस कदम का जहां कुछ लोगों की तरफ से स्वागत किया जा रहा है, वहीं तीर्थ पुरोहित समाज के लोग जिला प्रशासन के इस कदम को वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जरूरी मान रहे हैं। वहीं व्यापारियों की तरफ से प्रतिबंधित शब्द पर आपत्ति करते हुए इसको सीमित किए जाने की बात कही जा रही है। व्यापारी जिला प्रशासन के इस कदम से नाराज हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही लॉकडाउन और प्रतिबंध के चलते उनका व्यापार चौपट हो चुका है और अब फिर जिला प्रशासन मेलों को प्रतिबंधित करने में लगा हुआ है, जिससे उनके सामने संकट पैदा हो रहा है। गदरपुर तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर उदय प्रताप सिंह ने कर्मचारी और अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव कार्य में लगे कर्मचारी अधिकारियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। इस दौरान उदय प्रताप सिंह ने कहा कि गदरपुर 65 विधानसभा क्षेत्र में 13 जोन बनाए गए हैं, इसमें कर्मचारी और अधिकारियों को बूस्टर डोज भी लगवाया गया। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कोई भी मतदाताओं को गलत तरीके से प्रलोभन ना दे पाए, इसके लिए विशेष टास्क फोर्स बनाया गया है और एक सचल दस्ता तैयार कर इन चीजों पर निगाह रखने के लिए विशेष रूप से सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार को भी तैनात किया गया है। विधानसभा गदरपुर के अंतर्गत 163 जो है हमारे बूथ हैं, जिसमें हमारे दो जोनल अधिकारी हैं इसमें नामित किए गए हैं और 13 जो है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा निरीक्षण परीक्षण करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक जो है 80 प्लस की सूची हम लोगों ने कंप्लीट तैयार कर ली है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी को भी हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। दिव्यांग की भी सूची प्रेषित की गई है। इसी प्रकार हम लोग अभी FST जो उड़न दस्ता है उसका भी हम लोगों ने गठन कर लिया है। गठन करने के बाद टीमें हम लोगों ने क्षेत्र में उसको भेज दिया है और हमारी वीडियोग्राफी की 3 टीम आ गई है और वो 3 टीम जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर दी है। इसी बीच में उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी कार्मिक इसमें लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको बूस्टर डोज भी लगवाया जाए, जिसके लिए अभी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CSC से जो है टीम आ चुकी है, वो उनका जो है बूस्टर डोज भी हम लोग लगवा रहे हैं। पौड़ी के सतपुली पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग पर दंगलेश्वर मंदिर के पास भूस्खलन से अत्यधिक मलबा आ गया। मलबा आने से यात्रियों के लिए यातायात पूरी तरह बंद हो गया। आपको बता दें कि सुबह से यात्री सतपुली और अन्य स्थानों को जाने के लिए वहां पर मौजूद रहे। इस संबंध में प्रशासन को अवगत कराया गया। वहीं उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप ने कहा कि जल्द ही मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। पौड़ी में लगातार हो रही बारिश के चलते विकास खंड कलजी खाल के अंतर्गत ग्राम चामी निवासी हरिप्रसाद का मकान भारी बारिश के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हरिप्रसाद के खुद के मकान के साथ मवेशियों के रहने का कमरा भी क्षतिग्रस्त हो गया। हरिप्रसाद का कहना है कि वो किसान हैं और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ऐसे में बारिश से मकान क्षतिग्रस्त होना उनके लिए किसी आपदा से कम नहीं है। तहसीलदार पौड़ी सब्बल सिंह कठैत ने बताया कि सूचना मिलते ही राजस्व उप निरीक्षक को आगे की कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। अभी बारिश आओ जैसे मकान हमार उजड़ जाए, यानी परेशान बिल्कुल गरीब आदमी थो साहब, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। 3 माह की सचिव। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।